हे गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडियाज़ के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। आप सभी का स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक जेई विद अस, माय डियर। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जेई। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ, धीरेन छेत्रपाल। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री से कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक 694 रही है। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडियाज़ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है और अब मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फटाफट से प्ले स्टोर पे, सॉरी, इस ऐप को जाके डाउनलोड कर लीजिए। क्या फ़ायदा होगा इस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके? तो देखिए, दे आर द वेरियस रीजन टू डाउनलोड दिस अनअकैडमी ऐप, बट द फॉलोइंग रीजन्स आर दिस। द फर्स्ट वन इज़ द डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमसे डायरेक्ट लाइव क्लासेस के थ्रू कनेक्ट करता है, जिसमें आप हमारे साथ कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो। आपके अपने जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस आंसर्स हैं, वहाँ पे हम लोग पोलिंग कराते हैं। पोलिंग कराने का जो मुझे अच्छा लग फीलिंग आती है, अच्छा लगता है कि एक तो ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया। दूसरी बात कि जिन्होंने सही किया, उन्होंने उस क्वेश्चन को कितने सेकंड्स में अटेम्प्ट किया, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जब आप लाइव क्लास में होते हो तो पोलिंग करते हो और पोलिंग में सारा एनालिसिस आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज़ यार लाइव टेस्ट एंड क्विज़। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ साथ ये भी जरूर देखना ज़रूरी है कि आपने पढ़ा है तो क्या सही पढ़ा है, आपको कितना अभी और पढ़ना है। आपका जो एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है, आपका परफॉर्मेंस का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको हमेशा लाइव टेस्ट देते रहना चाहिए। ठीक है, तो अनअकैडमी में से जब आप जुड़ेंगे तो आपको मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विज़ अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। ठीक है, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फैकल्टीज़ का एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर है, जिसमें सारे फैकल्टीज़ को एक वर्क है जिन जो आपके साथ कंफर्टेबल हो सकें। ठीक है, क्या आपकी टाइमिंग है, क्या आपको पढ़ाना है, कितना कोर्स में आ रहा है, कितना कोर्स में नहीं आ रहा है, पहले क्या पढ़ाना चाहिए, बाद में क्या पढ़ाना चाहिए, इन सब का एक परफॉर्मेंस, एक डाटा है हमारे हाथ में। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम और आप आपस में एक कंफर्टेबल जोन में स्टडी कर सकेंगे, एक साथ बैठ के आपको हम अपना बेस्ट दे सकेंगे। नेक्स्ट इज़ यार अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस की खासियत ये है कि अगर मान लो आप ऑफलाइन कोचिंग अभी तक जाते थे तो वहाँ पे आप किसी दिन नहीं जा पाए और आपका वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था तो आपको वो टॉपिक मिस करना पड़ गया, या आप गए, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जो नॉर्मली मैंने फील की है कि हम जाते हैं और वहाँ पे लिख के चले आते हैं वापस और फिर जब घर पे आके रिवाइज़ करते हैं तो लगता है यार वो सर ने क्या बात बताई थी, वो फिर से सुनने का मन कर रहा है, बट आप दोबारा से उसको सुन नहीं सकते, वो आप उसको मिस करते हो कि सर ने क्या बताया था, सर ने क्या बताया था। तो वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, वो आपके दिमाग से लैग हो चुका है और आपको पता है कि वो इम्पोर्टेंट है बट आप उसको नहीं पा सकते। अनअकैडमी ने इन सब का तोड़ निकालो। उन्होंने कहा एक काम करिए, आप हमारे साथ लाइव क्लासेस भी लीजिए और इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हैं। किस रीज़न से अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास मिस देख सकते हैं। अपनी क्लास मिस मत करिए, अपने कंफर्ट जोन में रह के स्टडी करिए। स्टडी के सामने सब कुछ सेक्रीफाइस किया जा सकता है बट स्टडी को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड में रखिए, उसको जब चाहे जितनी बार चाहे आप उसको देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल फीस है, बहुत ही इकोनॉमिकल फीस है। इकोनॉमिकल, मैं इस वर्ड को क्यों बार बार बोलता हूँ इकोनॉमिकल, तो देखो इंडिया की जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर मैं उनको कंपेयर करूँ अपनी टीम के साथ, तो हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडिया की इंस्टीट्यूट है वो साल का करीबन करीबन मैं समझता हूँ कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब ले जाते होंगे। ठीक है, वहीं पे हम आपसे साल का सिर्फ और सिर्फ 30K आपसे मांगते हैं।
इसके बावजूद भी अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए, तो दिस इज़ माई कोड माई डियर, माई कोड इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN। जैसे ही आप इस कोड को वहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपकी जो 1 ईयर की जो फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 27K। तो सोचिए 27,000 में आपके सामने तीन तीन सब्जेक्ट है, दैट इज़ PCM। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई और इंस्टीट्यूट इतने इकोनॉमिकल अमाउंट में पढ़ाता होगा, और वो भी आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ आपके के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरी बात, सिर्फ आप एक फैकल्टी से नहीं पढ़ते हो, हमारे यहाँ एन नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ एक ही सब्जेक्ट को लेके होते हैं। हर टॉपिक आप किसी से पढ़ सकते हो, कोई टॉपिक आप किसी से पढ़ सकते हो, एन नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ हैं जिससे जो पढ़ना है आपकी मर्जी। ठीक है, तो सोचो एन नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ हैं, इतना कम अमाउंट आपके सामने है, तो क्या इकोनॉमिकल बोलना मेरा गलत है? ठीक है बच्चे, अगर आपके पास और भी टाइम है, अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए। इसके पीछे रीज़न क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5K का है, मतलब 5,000 का डिफरेंस है। आप 5,000 पे करके हमारे साथ 12 मंथ की जगह 24 मंथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सिर्फ एक्स्ट्रा 5,000 दिया और आपने 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान और ले लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये अमाउंट एक साथ नहीं पे किया जा सकता, तो आपके पास हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ की EMI में अपन लोग इसको आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं इस रिस्पेक्ट में EMI देखता हूँ, तो पर मंथ पे EMI आ रही है 2,250 रुपये। मतलब 2,250 रुपये में आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, और आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो। तो सोचो यार, इससे इकोनॉमिकल क्या होगा? ओके, तो फटाफट से इस प्लान को ले लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए, और हमारे जितने बेनिफिट्स हैं उसका फ़ायदा उठाइए। वेलकम 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 टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ बना रखी है। मेरा मोटिव यही है कि सारे टॉपिक्स तो अगर मैं नहीं पढ़ाऊं, लेकिन सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक अगर मैं पढ़ा सकूं तो वो पढ़ा दूं। हर एक चैप्टर से मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक उठाए हैं जिनको मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उस सीरीज़ में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, और ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 8 है। पार्ट 8 होने का मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो बच्चा पार्ट 8 देख रहा है, अगर आपके पास नॉलेज है तो सीधे आप पार्ट 8 देखो, अदरवाइज़ आपको पार्ट 8 से पहले इन प्रीवियस पार्ट्स को ख़त्म करना चाहिए, सो दैट आप पार्ट 8 को अच्छी तरह एंजॉय कर सको। केमिस्ट्री है, सब चीज़ आपस में इंटरलेट होती है, तो इंटरलेट के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। आज का जो मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट। मैं आज 2-3 टॉपिक कवर करूँगा, जिसमें एक टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, दूसरा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, एंड तीसरा टॉपिक है थर्मल स्टेबिलिटी। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है इसके बारे में समझते हैं। पहले तो एक वर्ड इसके अंदर छुपा हुआ है, डाइपोल। पोल का मतलब पता है ना, दो कोने, एक बॉन्ड के जो दो कोने उसको पोल बुलाते हैं। ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उन मॉलिक्यूल्स को अपन लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं। पहले तो नेचर में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आपने पोलर मॉलिक्यूल्स, और दूसरा आपने पढ़ा होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, यार ये मेरा HF है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इट मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे फ्लोरीन पे जो है वो पार्शली नेगेटिव का चार्ज आने वाला है, और हाइड्रोजन पे क्या आने वाला है, पार्शली
पॉजिटिव कचा देने वाला है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को पहले बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे ClCl ले लिया, अब दोनों ही सेम स्पीशीज़ हैं तो ये हमारे क्या हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं होगा तो ये हमारे क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हो गया H2 हो गया, ये सब क्या है हमारे इंडिविजुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। डाइपोल मोमेंट जो कहानी है वो पोलर मॉलिक्यूल्स की है, क्योंकि डाइपोल दो वर्ड से आया है, डाई मतलब दो कोने पे, पोल्स में छुपा हुआ चार्ज है, तो पोल्स में छुपा हुआ चार्ज है और चार्ज तब क्रिएट हो पाएगा जब मॉलिक्यूल क्या होंगे नेचर में पोलर होंगे। तो डाइपोल मोमेंट इज अ कंसेप्ट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होता है। अब डेफिनेशन के पीछे मरते हैं, तो डेफिनेशन बोलती है कि डाइपोल मोमेंट को अगर मैं देखूं तो डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो म्यू से डिफाइन किया जाता है। ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई एक स्पीशीज है जिसमें ए और बी नाम का एक बॉन्ड बना हुआ है, और मैं ऐसा एजम्पशन ले रहा हूँ कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो इट मीन्स बी पे क्या होगा, पार्शली नेगेटिव का चार्ज होगा और यहाँ पे बेटा पार्शली पॉजिटिव का चार्ज होगा। लेट सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, तो डाइपोल मोमेंट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है और जो इनके चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं उसका प्रोडक्ट कर लूँ तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, मैं पहुँचूँगा डाइपोल मोमेंट की तरफ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कोई चार्ज क्यू में है, हमको चूँकि मैग्नीट्यूड से मतलब है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि एच सी एल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए सपोज करना इसके पीछे डिस्टेंस डी है, यहाँ पे इसने इसको -2 कोलम के चार्ज से खींचा, यहाँ से +2 कोलम के चार्ज से खींचा गया, तो हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे, 2D रखोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड से मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो पहले तो ये बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे लेते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, कैसे नापा जाता है। तो डाइपोल मोमेंट की जो सिंबल होती है इसको नापने के लिए डे बाय वर्ड यूज़ करते हैं, डे बाय DEBYE। ठीक है, हम लोग उसको शॉर्टकट में डी बुलाते हैं सिंबल में। एक डे बाय में, वन डे बाय में 10^-18 ESU सेंटीमीटर होता है। ESU एक यूनिट ऑफ चार्ज की यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बुलाते हैं इसको। ठीक है, जबकि वन डे बाय को आप बोल सकते हो 3.3 × 10⁻³⁰ कूलम मीटर। ये दोनों ही यूनिट हैं, ठीक है, दोनों ही का यूनिट का ख्याल रखना है, एक आपकी ESU सेंटीमीटर में है और दूसरी आपकी कूलम मीटर में है। तो अगर आप डे बाय की यूनिट देखते हो तो पहला एक डे बाय ESU सेंटीमीटर में नापा जाता है और दूसरा कूलम मीटर में नापा जाता है। तो डिवाइस की ये दो यूनिट आपको ख्याल रखनी है, दो वैल्यूज़ आपको ख्याल रखनी है, न्यूमेरिकल करते टाइम हम इसका यूज़ लेंगे। ठीक है, तो याद रखनी है आपको ये म्यू की यूनिट्स। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर, देखिए कैसे इसका यूज़ लेना है, कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको इतना मान के चल रहा हूँ कि फिजिक्स में आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा, और आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि जो अपोजिट वेक्टर हैं और जो सेम वेक्टर हैं वो क्या करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो आप दोनों सेम वेक्टर हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। लेकिन अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो अपोजिट वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये फिजिक्स है जो कि काम आएगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमेशा जो रूल आएगा वो एरो का आएगा। जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने आपसे कहा कि ए और बी में एक बॉन्ड बना हुआ है और बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से। मैंने क्या कहा, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो एक एरो बनता है, इसी एरो से पहचाना जाता है। ठीक है, ये एरो कुछ ऐसा होता है, या ये एरो का हेड वाला हिस्सा है, ये वाला एरो का हेड है और ये एरो की टेल है। ठीक है, हमेशा एरो जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है,
का, क्या बोला मैंने, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ मूव करता है, या यूँ कहूँ कि जो एरो का हेड पार्ट होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड होता है और जो एरो का टेल पार्ट होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ कि मेरे पास एच एफ मॉलिक्यूल है, तो इसका अगर मुझे एरो देना होगा तो मैं इसका एरो ऐसे दूंगा कुछ। ओके, क्लियर कट, मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट को जानना है, इस वेक्टर क्वांटिटी को जानना है, फिजिक्स में जो हमने लॉ ऑफ पैलोग्राम पढ़े हैं और लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं ये सारे आपके काम आएंगे, एक वेक्टर ये, रिजल्टेंट वेक्टर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर तभी आप उसको समझ पाओगे। ठीक, अब देखिए माय डियर, ये जो डाइपोल होते हैं, डाइपोल मॉलिक्यूल नेचर में दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं बॉन्ड के रिस्पेक्ट में डाइपोल, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट, और दूसरा होता है बेटा लोन पेयर मोमेंट। लोन पेयर के रिस्पेक्ट में मोमेंट देखा जाता है। डाइपोल मोमेंट दो तरह के, एक बॉन्ड डाइपोल मोमेंट और एक लोन पेयर डाइपोल मोमेंट। हमेशा मैंने आपसे क्या कहा कि ये मोमेंट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहाँ को जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को जाता है। ठीक है, तो ये जब ये विद इन द बॉन्ड जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। और लोन पेयर में कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल ए है और ये बी है, अब ये लोन पेयर है तो लोन पेयर का एक अपना डाइपोल होता है बच्चे, तो ये हमेशा याद रखिएगा लोन पेयर का डाइपोल अपना होता है और बॉन्ड पेयर का डाइपोल अपना होता है। ठीक है, ओके, लोन पेयर स्पीशीज में अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तो उनका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट अलग है और बॉन्ड पेयर का डाइपोल मोमेंट अलग है। ठीक है, अगर आप इमेजिन करिए कि केस मैंने ऐसे ले लिया और मैंने ऐसे ले लिया, इमेजिन करिए अगर आपको लगता है कि ये लोन पेयर है और ये आपका बॉन्ड पेयर है और ये अपोजिट डाइपोल मोमेंट है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। द रीज़न बिहाइंड माय डियर कि लोन पेयर के मैग्नीट्यूड अपना होगा और बॉन्ड पेयर का मैग्नीट्यूड अपना होगा, तो चूंकि मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा इस वजह से डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं करेंगे। या सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोन पेयर होता है उनका डायपोल मोमेंट अलग देखा जाता है और जो बॉन्ड पेयर डायपोल मोमेंट होता है उनका अलग देखा जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लीजिए आप, अगर मैं आपसे कहूँ, सीधे टफ एग्जांपल उठा लेता हूँ एक, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पे CH सी ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो एरो है ये किधर को जाएगा, मतलब ये लेट सपोज करो तो कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। किसी ने मुझसे पूछा कि 2 और 3 के बीच में आपको एरो क्रिएट करना है, तो पहले बताइए मॉलिक्यूल पोलर हैं कि नहीं। देखो, इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज ये होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कार्बन मेरा sp2 है बेटा और बेटा ये वाला कार्बन मेरा sp है। ठीक है, ये बात नॉलेज होगी। अगर ये बात भी नॉलेज होगी तो ये भी आपको मैंने पीछे पढ़ाया है कि इसमें एस करेक्टर 33 पॉइंट एस करेक्टर हैं जबकि इसमें जो है बेटा 50% एस करेक्टर हैं, और जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी, और अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एरो उस तरफ जाएगा तो इसका जो एरो है फ्रॉम 2 से लेकर 3 को जाएगा। ठीक है, तो इन सब का ख्याल रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हमारे साथ डाइपोल मोमेंट को निकालने में मदद करेंगी। क्लियर कट है मेरी बात? ठीक है, तो जब भी आप 2 से 3 को जा रहे हो तो 2 से 3 को जाओगे क्योंकि 2 आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और 3 आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ड्यू टू एस करेक्टर। ओके, अब मैं कुछ केसेस लूंगा, उन केसेस में मैं आपको डाइपोल मोमेंट निकालना सिखाऊंगा और देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए केसेस शुरू करते हैं। सबसे पहला केस आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर केस, या यूँ कहूँ पहले केस का नाम दे देते हैं AB केस। इस AB केस के अंदर सिंपल सा केस है, लीनियर केस मतलब ये A और ये B है। अगर ये पोलर हैं और मैं ऐसा कहता हूँ कि B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये एरो उधर को जाएगा और इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट ज़रूर होगा। ठीक है, उसी तरह अगला केस आएगा, केस नंबर 2, इसको हम लोग नाम देंगे AB2 केस। इस केस के अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक हो सकती है लीनियर की पॉसिबिलिटी और एक हो सकती है नॉन लीनियर की पॉसिबिलिटी।
ठीक है। अगर मैं लीनियर की पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ तो लीनियर में भी दो तरह के होते हैं, या तो वो सिमेट्रिकल होंगे, या तो वो सिमेट्रिकल होंगे और या तो वो अनसिमेट्रिकल होंगे, अनसिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, आइए जानते हैं एग्जांपल को लेके। जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत फेमस एग्जांपल ले रहा हूँ लीनियर में सिमेट्रिकल का, लीनियर में सिमेट्रिकल का बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको पता है कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ तो उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। सबको ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की शेप होती है लीनियर। अब आप देख सकते हैं इसका एरो बेटा इस साइड जाएगा, इसका बेटा एरो इस साइड जाएगा, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जबकि अगर यही चीज मैं आपका एक एग्जांपल अनसिमेट्रिकल का ले लेता, अनसिमेट्रिकल है तो लीनियर ही लेकिन वो अनसिमेट्रिकल है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ओ को रिप्लेस कर दिया एस से, मतलब मैंने कुछ इसको ऐसे ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ ले लिया सी डबल बॉन्ड एस, तो अभी सिमेट्रिकल नहीं रहा। आप सभी लोग ये बात जानते हो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, कि अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ तो उसकी मिरर इमेज बन जानी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो कि इसके एक तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, और इसकी दूसरी तरफ क्या है, सल्फर है। और चूंकि सल्फर और ऑक्सीजन में दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब चूंकि सिमेट्रिकल नहीं है तो ठीक है, डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये इसको कैंसिल आउट पूरी तरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ सेम मैग्नीट्यूड बात नहीं है। हमेशा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, इसका ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड ना सेम होने की वजह से उनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि हर लीनियर का डायपोल मोमेंट जीरो होगा, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है वो सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है इसी के अंदर, भाई अगर वो मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हुआ तो मतलब ही नहीं है डायपोल मोमेंट जीरो होने का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो मैंने H2O ले लिया। अब आप सभी को पता है कि H2O की जो शेप है वो बेंट है, और बेंट शेप है और उसका अपना एक पर्टिकुलर एंगल है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो इसका एरो इस तरफ जाएगा और लोन पेयर का एरो हमेशा ऊपर को जाता है। ठीक है, लोन पेयर का एरो हमेशा ऊपर को जाता है, तो कहीं से भी कैंसिल आउट करने की सोचेगा नहीं, तो इसका डायपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, तो हमने ये पढ़ा कि लीनियर के अंदर क्या है, नॉन लीनियर के अंदर क्या है। ये हमारा केस कौन सा था, ये हमारा केस AB2 था। ठीक है, AB2 था, इसको आप AB2 बोल सकते हो। ठीक है, एक मेंबर के अराउंड दो मेंबर। ठीक है, अगला केस आएगा हमारा AB3 का केस, अगला केस आएगा हमारा AB3 का केस। AB3 का मतलब क्या हो गया, एक मेंबर यहां पे है और तीन मेंबर यहां पे, इसको आप AB3 बोलते हो। जनरली ऐसी शेप हमारी ट्राइगोनल प्लेनर शेप की होती है। अब अगर आपने थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ रखा हो, कि मान लेते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए कि B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, तो इसका वेक्टर यहाँ को जाएगा, इसका वेक्टर यहाँ को जाएगा, इधर इधर ये इधर को जाएगा। अब अगर मैं इसके रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूँ तो ये कुछ इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है, तो अपोजिट वेक्टर क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ को जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बेटा यहाँ को जाएगा। तो आप देख सकते हो एक दूसरे का रिजल्टेंट वेक्टर को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, बशर्ते बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ए से और तीनों नेचर में क्या हो, सिमेट्रिकल हो। मतलब कहने का सेंस ये है, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया AlCl3 का। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि AlCl3 की जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। ये एक प्लेन में होते हैं, आपके सामने ये प्लेन है, एक इधर को होगा, एक इधर को होगा, एक इधर को होगा। तो आप पढ़ते हो कि ये इस इधर को, ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा। तो चूंकि मॉलिक्यूल प्लेन में है, अब आप लॉजिक सोचिए कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किधर को जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर कैंसिल आउट कर जाएंगे, सेम एज इसका यहाँ को जाएगा और सेम एज इसका यहाँ को जाएगा। तो चूंकि अपोजिट डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट का क्या होगा, जीरो होगा।
लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा जीरो हो। किसी मैंने ऐसे सवाल दे दिया, मैंने ACl2F दे दिया तो अब नहीं होगा, इसके पीछे रीजन आपको समझ में आ चुका होगा, सिर्फ कि यहाँ पे रीज़न ये था कि सिमेट्रिकल थे, अब ये सिमेट्रिकल नहीं है, इनका एक तरफ का मैग्नीट्यूड दूसरी तरफ के मैग्नीट्यूड से कहीं ना कहीं डिफर कर जाएगा, इसलिए इस केस में आप डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इनका रिजल्टेंट इधर तो होगा नो डाउट, लेकिन इसका रिजल्टेंट इसके रिजल्टेंट के बराबर मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, रिजल्टेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप डाइपोल मोमेंट, मतलब अगर मैग्नीट्यूड जीरो तभी आप ले पाओगे, तभी जब वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, अदरवाइज डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपके माइंड में अगर ये चलता है कि ट्रायगोनल प्लेनर की शेप हमको दिख जाए और डाइपोल मोमेंट जीरो कर दें, तो आपके थॉट्स सही नहीं है इस मामले में, ठीक है। अगला केस आएगा बेटा, बेटा अगला केस आएगा AB5 वाले मेंबर्स का केस, ठीक है। AB5 वाले मेंबर्स के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ एक PCl5 का एग्जांपल। अब आप देख सकते हो कि PCl5 को आप कुछ ऐसे समझो, आप सभी ने पढ़ा है इसकी जो शेप होती है वो TBP शेप होती है, और मैं इसको बताने की जद्दोजहद दोबारा नहीं कर रहा कि ये दो शेप से बना होता है, ठीक है। एक आप ऐसे समझ सकते हो, एक ऐसा और ये दो ऐसा, मतलब यहाँ पे भी सी एल, यहाँ पे भी सी एल, यहाँ पे भी सी एल, यहाँ पे भी सी एल और यहाँ पे भी सी एल, ठीक है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ से तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, सेम एज ये यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाने वाला है, जिसका जो नेट डाइपोल मोमेंट ओवरऑल क्या आएगा, वो आएगा जीरो, ठीक है। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप है, TBP शेप बुलाते हैं, प्लेन वाले आपस में कैंसिल करेंगे, मतलब यूँ कहूँ जो इक्वेटोरियल वाले हैं वो आपस में कैंसिल करेंगे और एक्सियल वाले आपस में कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर मैं यही केस को थोड़ा सा आपके साथ खेल जाऊँ और मैं बोल दूँ नहीं यार ये केस है AB इसका, दैट मीन्स PCl4F का, अब आप बताओ क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑब्वियस है इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि अभी सिमेट्रिकल नहीं रहा, जबकि यहाँ पे क्या था, ये सिमेट्रिकल था। लेकिन अगर 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 मैंने सवाल आपसे ये किया कि क्या PCl3F2 का डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो यहाँ को समझने के लिए मैंने एक एपिकोफिलिसिटी में एक वीडियो बनाई है, आप देखिएगा एपिकोफिलिसिटी को, तो इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो देखिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होते हैं वो एक्सियल साइड को ऑक्यूपाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द एपिकोफिलिसिटी कंसेप्ट। तो हाँ भाई ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है, ठीक है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो जीरो आ सकता है। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट को जानने के लिए आपके दिमाग में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एटम्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, तभी आप डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। उस तरह अगर मैं अगला केस ले लेता हूँ, लेट सपोज करो मैं ऑक्टाहेड्रल फैमिली का केस ले लेता हूँ, ऑक्टाहेड्रल फैमिली का केस ले लेता हूँ। अब इस ऑक्टाहेड्रल फैमिली में भी डिपेंड करता है कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है या प्योर ऑक्टाहेड्रल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यार मैंने ले लिया SF6 का एग्जाम्पल। अब आपको पता है कि SF6 जो है ये कंप्लीट प्योर ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, और चूंकि कंप्लीट प्योर ऑक्टाहेड्रल बनाएगा तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट होने वाली है वो जीरो होने वाली है, क्योंकि इसमें चार इक्विलेटरल बॉन्ड है, इक्विलेटरल ना बोल के सॉरी इक्विटोरियल बोलना चाहिए, ठीक है, और दो एक्सियल है हमारे, एक्सियल हमारे दो हैं, और सबको पता है कि इसमें एंगल 90 का होता है, इसमें बताने की बार बार वो ज़रूरत नहीं है। अब आप इमेजिन करिए बस कि ये आपके एक प्लेन में है, ठीक है, इस वजह से ये आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, और ये जो दो लीनियर वाले हैं ये भी आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसकी जगह एक ऑक्टाहेड्रल की जगह एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नाम सुना हूँ आपने, XZF6 के बारे में मैंने इस पर बहुत प्यार से चर्चा की है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मैंने बहुत प्यार से इस पर चर्चा की है, तब आपको पता है कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में
जो लोन पेयर होते हैं वो बरीड लोन पेयर होते हैं, ये बताने की बात मैं नहीं समझता, आप वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि बरीड लोन पेयर हैं इसलिए इस बार जो उसका नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, लोन पेयर मोमेंट दिखाता रहेगा, ठीक है। इसलिए ये कम्प्लीटली प्योर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर मैं यही एग्जाम्पल एक्जी F4 को लेके देखूं तो और कुछ नहीं, शेप का खेल है। इस बार देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, एक्जी F4 का खेल है ये, कुछ ऐसा है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एपिकोफिलिसिटी इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो आपके सामने है, मतलब ज़ेनॉन यहाँ पे है और चार इक्विलेटरल पे आपके क्या हैं, फ्लोरीन है, और लोन पेयर किस पे हैं, एक्सियल पे हैं, आपकी मर्जी, ऐसे बोलना जैसे भी आप समझो। सच्चाई ये है कि दो फ्लोरीन एक्सियल पे हैं, बाकी चार इक्विटोरियल पे हैं, ठीक है। इसको देखने का नज़रिया अपना अपना है, आपको साफ साफ दिख रहा है, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। उसी तरह अगर मैं एक्जी F2 की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एज पर रूल ऑफ एपिकोफिलिसिटी ये एक्जियल पोजीशन पे रहेंगे और इक्विटोरियल पोजीशन पे बेटा आपके लोन पेयर रहेंगे। सब इक्विटोरियल पोजीशन पे सेम पोजीशन पे लोन पेयर हैं तो इसका भी रिजल्टेंट डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब लोग के माइंड में क्या, दिमाग में होता है कि सर लोन पेयर वाले तो जीरो नहीं होते हैं। देखो ये सब कंसेप्ट दिमाग से निकाल दो, डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर में सिमेट्री है या नहीं है। अब आप देख सकते हो जो मैंने दोनों लोन पेयर वाले एग्जाम्पल्स लिए हैं इन दोनों के अंदर सिमेट्री ज़रूर है। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होते तो ठीक है भाई, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है तो वो कैंसिल आउट नहीं करता है। बट अगर वो सिमेट्रिकल हैं तो बेटा, बट ऑब्वियस से है कि कैंसिल आउट करेगा ही करेगा, ठीक है, ओके। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो होने वाला है और कहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सब खेल आपके माइंड में होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल और भी लूँगा, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल और भी लेता हूँ। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यार बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि NH3 और NF3 में नेचर, अगर मैं इनकी ज्योमेट्री को देखूँ तो सेम है, लेकिन उनके बावजूद भी इनके डाइपोल मोमेंट में अंतर है और हमको देखना है कि किसका डाइपोल मोमेंट किस तरफ ज़्यादा है। तो आप देखिए, लेट सपोज करिए ये स्ट्रक्चर कुछ अमोनिया का है, अगर मैं शेप की बात करूँ तो पिरामिडल शेप, और ज्योमेट्री की बात करूँ तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री इन लोग रखते हैं। क्या यही चीज NF3 भी रखता है बेटा? एकदम सही सोच रहे हो। अब देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो नाइट्रोजन है। इसका एरो इस तरफ, इसका एरो इस तरफ, इसका एरो इस तरफ, एंड लोन पेयर का एरो इस तरफ, तो सारे डायपोल मोमेंट एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारे डायपोल मोमेंट क्या कर रहे होंगे, एडअप कर रहे होंगे, जबकि इसमें ये तो इस तरफ है लेकिन कहीं ना कहीं ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कुछ ना कुछ तो स्लाइटली कैंसिल होगा, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा बट स्लाइटली कैंसिल होगा। तो अगर मैं बात करूँ, कंपैरिजन वर्ड यूज़ करूँ, कंपैरिजन वर्ड है कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो आप देख सकते हो कि अमोनिया वाले केस में सारे डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में है इसलिए वो एडअप कर जाएंगे। दैट्स वाई अमोनिया का जो डायपोल मोमेंट है वो NF3 से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम एज अगला एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ, अगला मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेट सपोज करो, देखें आपको याद भी है कि नहीं। आप स्ट्रक्चर ले लो H2O का, H2O का स्ट्रक्चर ले लो, और दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप OCl2 का, और इसमें डायपोल मोमेंट को कंपेयर करो। वीडियो को पॉज करके एक बार कंपेरिजन करके देखो तो आपको क्या आंसर आएगा। अब आप बोलोगे सब कुछ तो सेम है सर यहाँ पे, तो आपको दिमाग ये लगाना है कि ये वाले में कंसेप्ट में VSEPR लग रही है और यहाँ पे NEBPR लग रही है। मैंने पीछे NEBPR पे वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखा है, जो उसको डायरेक्ट देख रहा है, रिक्वेस्ट है पहले वहाँ देख के आओ, तब ये पल्ले पड़ेगा, नहीं तो बाउंस मार जाएगा, ठीक है। और वैसे भी समझ सकते हो यार कि यहाँ पे देखो यार, इसका इस तरफ को जाएगा ऐसे, तो हाँ इसमें भी इस तरफ कोई जाएगा, क्या कर लोगे? तो
तो आपको लगेगा बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे एनई बी पी आर से एक्सप्लेनेशन हो रहा है और यहाँ पे वी एस सी पी आर से एक्सप्लेनेशन हो रहा है। यहाँ पे जो थीटा आएगा वो करीबन करीबन 104.5 आएगा, जबकि यहाँ पे जो थीटा आएगा वो नियरली नियरली 110 आएगा ड्यू टू एनी बी पी आर रिपल्जन की वजह से। अब थीटास की वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, कॉस थीटा देखा जाता है, जब कॉस थीटा देखोगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ एनी बी पी आर पहले थोड़ा पढ़ लेना, फिर आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, ठीक है। उसी तर्ज पे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट सपोज करो इनका, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि आपके पास सी एच थ्री एफ है, सी एच थ्री सी एल है, सी एच थ्री बी आर है और सी एच थ्री आई है, ठीक है। और आपसे बोलेगा कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट में अरेंज करिए। तो ये याद रखिएगा कि भाई सी एच थ्री सी एल का जो डाइपोल मोमेंट है वो सी एच थ्री एफ से ज़्यादा है, उसके बाद आपका आता है सी एच थ्री बी आर और आएगा उसके बाद सी एच थ्री आई। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो देखिए नॉर्मली तो आपको पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जब आप टॉप से बॉटम जाते हो तो साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर जाती है। अब ये भी आप जान रहे हो कि डाइपोल मोमेंट लेट इज़ म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, मतलब दो फैक्टर एक साथ लग रहे हैं। अब आप सोचिए कि टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो चार्ज घट रहा है, भाई फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आयोडीन इसके रिस्पेक्ट में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर मैं क्यू की बात करूँ तो क्यू सबसे ज़्यादा किसका, दैट इज़ फ्लोरीन का, सही सोच रहे हो। लेकिन अगर मैं डी की बात करूँ तो ज़्यादा किसका, आयोडीन का, भाई आयोडीन की साइज़ थोड़ी बड़ी होगी। तो एट द एंड एक दूसरे को ये काउंटर बैलेंस कर रहे हैं क्या, टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो क्यू क्या हो रहा है, क्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन डी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब जितना क्यू घट रहा है उतना डी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ज़्यादा क्या हो रहा है, किस तरफ ज़्यादा झुकाव आ रहा है, क्यू की तरफ या डी की तरफ। तो इसी के बिहाफ पे ये जो एग्जांपल मैंने लिया है ये उसी के बिहाफ पे है। देखो अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो यहाँ पे साइज फैक्टर डोमिनेट करती है। मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन में ठीक है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन चूंकि क्लोरीन की साइज़ थोड़ी ज़्यादा बड़ी है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो ओवरऑल जो डी है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्यू घट जाएगा ड्यू बढ़ जाएगा, तो इस वजह से जो साइज फैक्टर है वो डोमिनेट करता है। जबकि इनकी बात करें तो यहाँ पे बेटा चार्ज फैक्टर डोमिनेट करता है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि टॉप से बॉटम गए तो साइज उतना काम नहीं किया, आयोडीन का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन के, तो ब्रोमीन का क्यू ज़्यादा था इसलिए डाइपोल मोमेंट ब्रोमीन का ज़्यादा था। मैं इसके लिए भी बोल सकता था लेकिन मैंने क्या कहा कि इस वाले केस में साइज फैक्टर डोमिनेट किया है और इस वाले केस में चार्ज फैक्टर डोमिनेट किया है, और ये अपनी मर्जी से नहीं होता है, ये सब डाटा बेस्ड कंसेप्ट हैं। सभी के वैल्यूज़ का अपना एक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पहले निकली होगी, कमेंट हमारा बाद में आया होता है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। उसी तर्ज पर अगर मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने कहा कि H2O, H2S, H2TE, पहले ऐसी ले लो और H2TE, ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि इनका डायपोल मोमेंट का क्या हालचाल है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है इन सब में क्या लग रहा है, ड्रैगोज इफेक्ट लग रहा है। जिसने मेरी ड्रैगोज इफेक्ट की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लो, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले पीछे की वीडियो देखना ज़रूरी है, सो दैट आपको पता चल सके कंसेप्ट हो क्या रहा है। जो वीडियो देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया, तो प्लीज़ डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखना, नहीं तो आपको लगेगा बंदा पता नहीं क्या पढ़ा रहा, बाउंस मार रहा है, ठीक है। तो ड्रैगो इफेक्ट लग रहा है और आपको पता है कि ड्रैगो इफेक्ट में जो एंगल होगा वो नियरली नियरली 90 के करीब होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे कॉस 104 की वैल्यू लगेगी और यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू लगेगी, ठीक है, तो गेम ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब इसका एरो कुछ ऐसे आने वाला है, ठीक है, क्लियर कट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, डिफरेंस मैटर करता है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है इसलिए डाइपोल मोमेंट कम है,
और दूसरा सही आंसर तो है कि भाई आप ड्रैगो इफेक्ट से देखो, वही इसका सही एक्सप्लेनेशन देगा आपको, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, ये क्वेश्चन को प्लीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HF और H2O, SO2 और अमोनिया और HCl, इसमें जनरली कंपेयर करने को आता है, तो याद रखने वाली बात है, ये आपको मैग्नीट्यूड्स के वाइज से निकाला गया है, ये प्लीज़ आप याद रखना। एग्ज़ाम में ऐसे तो प्रूव भी कर सकते हो, लीनियर नॉन लीनियर हेन तेन सब कुछ करके सॉल्व कर सकते हो, बट ये अगर आपको याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, बहुत कम लोग बताते हैं कि HF, H2, SO2, अमोनिया, HCl की डायरेक्ट क्वेश्चन चला आता है कि यार इसमें बताओ डेवलपमेंट किसका क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी आपको ख्याल रखना है, याद रखेंगे ना। अब डाइपोल मोमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डाइपोल मोमेंट कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो आइए जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया स्ट्रक्चर एक, ठीक है, आपने थोड़ी सिज और ट्रांस की नॉलेज पढ़ रखी होगी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका इधर, इसका इधर, इन दोनों का इधर, भाई साहब तो कैंसिल आउट तो दूर तक नहीं करेगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऐसे है, अपने ट्रांसफॉर्म में है, तो ट्रांसफॉर्म होने की वजह से, सॉरी, अपोजिट डाइपोल मोमेंट क्या करते हैं, कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांस इफेक्ट भी बुलाते हैं। लेकिन आपके मन में अगर ये सवाल है कि सारे ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो आप गलत हो भाई साहब। देख लो, ये लो, देख लो, मैंने यहाँ पे सीएल कर दिया, यहाँ पे एफ कर दिया, यहाँ पे एच कर दिया, एच कर दिया, ये भी तो ट्रांस है, ये भी तो ट्रांस है। अब बताओ क्या मैं इसका डाइपोल मोमेंट जीरो कर सकता हूँ? पर मन में आवाज़ आ चुकी होगी, सर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो सर? क्योंकि दोनों के अपोजिट तो हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, अंतर है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो दिमाग से ये कंसेप्ट चला गया या चला जाना चाहिए कि भैया ट्रांस का जीरो होता है, सिस का जीरो नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो कंसेप्ट जब पढ़ते हो तो उसके सारे दायरे के साथ पढ़ा करो, ठीक है। अब आपके टीचर्स पढ़ाते हैं ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो सिस का होता है, ये कंसेप्ट पढ़ाते तो हैं लेकिन लिमिटेशंस के साथ पढ़ाते हैं। ये तब वैलिड है जब बेटा ये सिमेट्रिकल है, ये अगर आपका अनसिमेट्रिकल केस हो जाएगा तो कैसे वैलिड हो जाएगा? आप मेरी बात को समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, इट्स डिपेंड ऑन कि वो सिमेट्रिकल है कि वो अनसिमेट्रिकल है। लेवल थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में केस आता है एलिन्स का केस। आपने कभी एलिन्स का नाम सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एलिन्स में कंटिन्यूस डबल बॉन्ड की कार्बन लिंकिंग होती है, ये कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अब और कंटिन्यूस कर लेते हैं इधर उधर। अब बस आपको उसको रीड ऐसे करना है कि भाई इसमें अगर ये वाला बॉन्ड परपेंडिकुलर है तो ये वाला बॉन्ड पैरेलल है, तो ये वाला बॉन्ड परपेंडिकुलर है, या यूँ कहूँ अगर ये वाला पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर है और ये फिर पैरेलल है, मतलब समथिंग लाइक। पहले देखिए, इधर देखिए आप, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो दूसरा ऐसे जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर पैरेलल परपेंडिकुलर या पैरेलल परपेंडिकुलर पैरेलल, ऐसे चलता रहता है कंटिन्यूस फॉर्म में। अब आप देखिए यहाँ पे दो बातों का ख्याल रखना है कि डबल बॉन्ड इवन है कि डबल बॉन्ड ऑड है। क्या बोला मैंने? डबल बॉन्ड इवन है कि डबल बॉन्ड ऑड है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स हैं आपके पास वो इवन है कि ऑड है, इसका रोल होता है। अगर आपका डबल बॉन्ड इवन हुआ तो क्या होगा, डबल बॉन्ड देन ऑड हुआ तो क्या होगा, याद रखिएगा। अगर डबल बॉन्ड इवन है तो ये प्लेन में नहीं है, दैट इज ये आउट ऑफ प्लेन में होते हैं। किस में होते हैं? आउट ऑफ प्लेन में होते हैं।
जबकि अगर वो डबल बॉन्ड ऑड में है तो वो इन द प्लेन है। कहने का मेरा सेंस यहाँ पे इधर को देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया Cl और यहाँ पे ले लिया Cl, यहाँ पे ले लिया H और ये ले लिया H, तो देखो ये एक प्लेन में माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। मैं मान के चल रहा हूँ पहला पैरेलल है, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा पैरेलल है, तो एट द एंड दोनों जो कोने हैं, जो दोनों कोने हैं वो किस फॉर्म में है? पैरेलल में है, ठीक है ना भाई। तो जो दो कोने आपके सामने हैं ये पैरेलल में है, कह सकते हो। मैं रफली डायग्राम बनाऊँ अगर इसका, तो भाई ये ऐसे है और दूसरा वाला ऐसे जा रहा है और फिर तीसरा वाला ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। एट द एंड ये जो दो कोने दिख रहे हैं आपको प्लेन में दिख रहे हैं, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो किस में है? प्लेन में है। अब अगर ये प्लेन में है और ये जो मैंने बनाया है तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगी बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाऊं, अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एन डबल बॉन्ड सी, और मैं यहाँ लिख दूँ सी एल सी एल। अब मैं आपसे कहूँ कि आओ खेलो मेरे साथ और बताओ कि ये मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा कि नहीं, तो लोगों के दिमाग बोलता है अरे ट्रांस है, अरे वाह जीरो कर देते हैं, तो यहाँ वो गेम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा बच्चा मेरे, तो ये पहला तो परपेंडिकुलर, दूसरा पैरेलल, तीसरा परपेंडिकुलर और चौथा पैरेलल। आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे के साथ सिमेट्री में नहीं आएंगे। इसके अंदर इसके इसका मतलब उसके अंदर पी ओ एस जो है वो एबसेंट है, और अगर पी ओ एस एबसेंट है तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा इमेजिनेशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं है, ठीक है। ये प्योरली नहीं है, एक इस तरफ है एक थोड़ा इस तरफ है। तो अल्टीमेटली हमने ये सीखा कि अगर डबल बॉन्ड आपके इवन में है तो उसके अंदर पीओएस नहीं है, और पीओएस ना होने की वजह से उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जबकि अगर उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा पागल हो जाऊँ और सवाल आपका ऐसे दे दूँ, कुछ भी दे देता हूँ अपनी मर्जी से, और मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर मैंने ए दे दिया, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा मुझे कि बताइएगा कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है या डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। कुछ नहीं है यार, सिर्फ प्लेन देखो, आपका गेम ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इनकी बात करता हूँ, लेट सपोज करो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये ले लिया मैंने, इसको ले लिया मैंने और इसको ले लिया मैंने, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी थीटा का खेल लगना है आपके साथ। थीटा बेटा यहाँ पे आपको पता है कि ये 60 का होगा, ये आपका 120 का होगा और ये आपका पूरा पूरा 180 का होगा। तो देखो यार ये प्लेन में है, अपोजिट डेवलपमेंट कैंसिल आउट कर जाएंगे। अगर मैं स्ट्रक्चर को ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, तो कॉस 60 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, उसके बाद कॉस्ट 120 और कॉस्ट 180 तो कैंसिल आउट कर जाएगा। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, मतलब अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, सबने पढ़ा होगा एबीसी, ठीक है। बहुत पढ़ लिया तो आओ खेल भी लो, इसके बारे में कंपेयर करो। अगर मैं इसको और इसको कमेंट करता हूं, अब आप मुझे बताना है ये स्ट्रक्चर मान लो नंबर वन है, ये स्ट्रक्चर नंबर टू है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, वन वाले का या टू वाले का, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका क्या हालचाल है भाई, क्या डाइपोल मोमेंट इसके बारे में क्या हालचाल है, अब आपके मन में चल रहा होगा अरे सर अपोजिट डायरेक्शन में है, उठा के डायपोल मोमेंट कर दो जीरो, और जैसे ही आपने ऐसे सोचा
आपने कर दिया गलत। आप पूछोगे सर मैं गलत कहाँ हूँ, तो आओ देखो बेटा ऐसा है कि यहाँ पे अगर तुम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन भी है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये टेट्राहेड्रल है, और यहाँ पे जो तुम्हें एंगल नज़र आएगा वो 109 डिग्री का नज़र आएगा। ये हाल टेट्राहेड्रल है यहाँ पे भी, ठीक है? तो अब खुद लॉजिक सोचो, क्या टेट्राहेड्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे? अरे यार टेट्राहेड्रॉन फाले फाले फॉर्म में है, कैसे हो जाएगा जब सिमेट्री नहीं, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन। मतलब तुम ऐसे देखो ना, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि क्या इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, हैं क्या इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा टेट्राहेड्रल, तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। अरे जब यहाँ नहीं होगा तो वहाँ कैसे हो जाएगा, और यहाँ नहीं होगा तो ये पूरे स्ट्रक्चर का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। आपके दिमाग में क्या होता है, अपोजिट देखते हो, शुरू हो जाते हो, ठीक है? तो इन सबसे बचो यार, इन सबसे बचो। ये एग्ज़ाम में आपको यही फंसाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि आप क्या चाहते हो। अब दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे और क्वेश्चन देखो। मान लो मैंने ये बना दिया, अब ये क्वेश्चन आपको बोलूँ तो आप बोलोगे अरे इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाना चाहिए इसका। आपको क्या लग रहा है इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, तो गलत सोच रहे हो। आपने क्या देखा, ओएच दे, ओएच देखा। अब क्या गलती हो गई, अब तो सर ये भी sp2 है, अब तो सर ये भी sp2 है, और सर ये भी sp2 है, अब कहाँ मैं रहूँ? तो आप रॉन्ग यहाँ से नहीं हो, इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर से रहूँगा, दैट मीन्स कुछ ऐसे रहूँगा। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर वाले से कंसेप्ट से देखो, ये कुछ ऐसे होते हैं ये, क्योंकि जिसको तुम कैंसिल आउट कर रहे हो ना वो आपका sp3 है। अब आप लॉजिक सोचो, क्या इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ? अब देखो ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, कहाँ से इसका डबल 0 हो जाएगा यार, नहीं ना? आपने क्या देखा, आपने इसके रिस्पेक्ट में देखा, ये आपसे गलती हो गई। ये पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे, पूरे स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होना चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर बॉन्ड की सिमेट्री नहीं देखते, पूरे स्ट्रक्चर की सिमेट्री देखते हैं। अगर पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सिमेट्रिसिटी है तब आप उसको बोलते हो हाँ कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना लोन पेयर ना अपोजिट डायरेक्शन में है, और लोन पेयर अपोजिट में ना होने के और मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंस होगा। एक तो लोन पेयर ऐसे ऐसे हैं, मतलब पूरी तरह पलटे नहीं हुए ऐसे हैं कुछ, और दूसरा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस होगा, तो कहाँ का डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा? बात तो मेरी समझ में आ रही है, क्लियर कट है ये बात, है ना? तो मैं अल्टीमेटली कहना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपोजिट मत देखा करो कि अपोजिट है तो कैंसिल आउट मार दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है? आओ और देखते हैं। अब अगर मान लो किसी ने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया और आपने दूसरे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, बस उसने इतना कर दिया कि यहाँ डी लिख दिया, अब बताओ इसमें किसका डेवलपमेंट 0 और किसका 0 नहीं? तो यार इसका 0 नहीं होगा लेकिन इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इस बार बेंजीन है और बेंजीन प्लेन में हर जगह हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा तुमने, यहाँ पे क्या देखा तुमने, यहाँ पे एक बंदे ने डी बना रखा है। अब डी की वजह से कहीं ना कहीं तो यार मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा ही आएगा, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के बीच में कहीं ना कहीं तो स्लाइटली से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, स्लाइटली सही सही, मतलब ओवरऑल ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली कह नहीं सकते हो कि कैंसिल आउट कर जाएगा, नियरली 0 होगा बट 0 नहीं होगा, ठीक है? ओके बात याद रहेगी, ये क्लियर कट है। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे, बस ऐसे पूछ रहा हूँ कि K3IO5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है, और आपको बताना है कि DX2Y2 है और DZ2 दो कंडीशंस है, इन दो कंडीशन में कब डायपोल मोमेंट 0 होगा और कब डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है? कौन कौन से डी ऑर्बिटल कब कब यूज होने वाले हैं, और जब जब जो यूज होने वाला है उसका स्ट्रक्चर, और उनके साथ उनके रिस्पेक्ट में DZ2 की अगर मैं बात करूं तो उनका कब कब डायपोल मोमेंट 0 होगा और कब डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसका भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट आएगा कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट।
देखो एक कंसेप्ट होता है आयनिक करेक्टर, आपने कभी फैजान रूल का नाम सुना होगा और उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है तो वो बॉन्ड कम्प्लीटली 100% आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होते हैं, और एक बॉन्ड कम्प्लीटली 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होते हैं। तो आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर के लिए को जानने के लिए कितना परसेंट आयनिक करेक्टर है उसके लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट को सीखते हैं। तो आयनिक करेक्टर को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इंटू 100। अगर आप ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड का रेशियो कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आयनिक करेक्टर आ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज करिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपसे बोलेगा कि कैलकुलेट करिए आयनिक करेक्टर का परसेंटेज, कैलकुलेट द आयनिक करेक्टर परसेंटेज ऑफ, लेट सपोज करिए एक HF नाम का मॉलिक्यूल है, और इसकी इन्होंने जो बॉन्ड लेंथ दे रखी है, इनकी जो इन्होंने बॉन्ड लेंथ दे रखी है वो लेट सपोज करो 0.92 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है, एंड ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दैट इज म्यू ऑब्जर्व दे रखा है, वो दे रखा है इन्होंने 1.92 डे बाय। तो आपको बताना है आयनिक करेक्टर कितना होगा। ठीक है, तो इसका सल्यूशन कुछ ऐसा है, इसका सल्यूशन कुछ ऐसा है कि आप जब भी कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो उस टाइम आप ये मान के चलोगे कि जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक है। मैंने क्या कहा, एज्यूम द बॉन्ड टू बी 100% आयनिक। आप इस बॉन्ड को एज्यूम करके चलोगे कि ये 100% क्या है, आपका आयनिक है। अगर आपने ऐसा एज्यूम किया तो याद रखिएगा उस टाइम जो बॉन्ड पे जो चार्ज होता है, दैट इज क्यू, वो होता है 4×10⁻¹⁰ ESU का चार्ज। ठीक है, एक बॉन्ड को अगर आप 100% आयनिक बॉन्ड मानते हो तो उस टाइम ये चार्ज कंसिडर किया जाता है। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालिए, म्यू कैलकुलेटेड निकालिए। तो म्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू चार्ज इंटू द डिस्टेंस। मैंने अभी कहा आपसे चार्ज मानो 10⁻¹⁰, ये कितना है 0.98, इसको यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ 10⁻⁸। ठीक है, कोलम सेंटीमीटर में आ रहा जाएगा। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग से हम सेंटीमीटर चले गए, ये आ जाएगा आपका कैलकुलेटेड। आपको ऑब्जर्व पता है कितना है, 1.92 डे बाय, और खड़क से आप यहां से क्या निकाल लोगे, आयनिक करेक्टर निकाल दोगे। बस वैल्यू को रख देना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आयनिक करेक्टर का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्या आ जाएगा, आयनिक करेक्टर का परसेंटेज आ जाएगा, और क्वेश्चन वहां से खड़ा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये सिखाने वाली थी कि अगर कभी भी एक बॉन्ड आपके सामने एज्यूम करना है कि वो 100% आयनिक है, तो उस आयनिक पे जो चार्ज होगा, दैट इज जो क्यू होगा, वो होगा 4×10⁻¹⁰ ESU होगा। तो इतनी जो बातें मैंने आपको बताई, ये बातें आपकी डाइपोल मोमेंट के लिए सफिशियंट थी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अब अगला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से भी चला आता है कि भाई टॉप से बॉटम की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, फलाना फलाना, इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, आइए समझते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर मैं हिंदी बोलूं तो उसका मतलब होता है घुलने की संभावनाएं। क्या होता है, घुलने की संभावनाएं। देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि यार NaCl है और ये NaCl पानी में जाके डिजोल्व हो जा रहा है,
आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ सराउंड कर लेते हैं, और जब कभी भी NaCl पानी में जाएगा तो यहाँ पे दो एनर्जीज एक साथ रिलीज होंगी। पहली एनर्जी जो रिलीज होगी वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी, उसको आप बोलते हो लैटिस एनर्जी, बोलते हो ना। ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है जब अपोजिट आयन्स टूटेंगे। भाई अगर आपके सामने NaCl है तो NaCl है तो अपने ही आयनिक फॉर्म में था, तो ये जब ब्रेक होगा और पानी में जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस फॉर्म में। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, पहली बात ये एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है मतलब ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होता है। उसी जगह पे अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सेकेंड एनर्जी, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ये क्या है, तो देखिए जब भी कभी भी कोई कैटायन और एनायन वाटर मॉलिक्यूल्स में जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ गुल्लू गुल्लू करेंगे, इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसे। आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर के हैं, NaCl पोलर नेचर का है, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज। ये इसका इंटरेक्शन इसके साथ, ये इसका इंटरेक्शन इसके साथ, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, मतलब ओवरऑल एक कैटायन और एक एनायन को वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, और इस सराउंड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उस रिलीज एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी को जानने के लिए ये बातें जानना कि सॉल्युबिलिटी के ये मेन दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पहला फैक्टर है लैटिस एनर्जी और दूसरा फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी। ये फैक्टर, इस पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं ये ऑर्गेनिक से भी आता है, इनऑर्गेनिक से भी आता है, इनऑर्गेनिक में SP, D सब जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है सॉल्युबिलिटी का, लेकिन हम लोग उसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं क्योंकि ये सब केमिकल बॉन्डिंग से इंटरलेटेड टॉपिक्स हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा कि सॉल्युबिलिटी के मेन दो फैक्टर आपको याद रखने हैं, एक लैटिस एनर्जी फैक्टर और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर। ठीक है, अब ये बात याद रखने वाली बात है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहले तो ये बात याद रखनी रखिएगा आप कि सॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हाइड्रेशन एनर्जी हो या लैटिस एनर्जी हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन और एनायन होते हैं। क्या बोला मैंने, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन और एनायन होती है। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी कैटायन और एनायन की साइज छोटी होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी या लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तीसरी बात, ये पहली बात याद रखी आपने, ये दूसरी बात याद रखी, तीसरी बात, जब आप टॉप से बॉटम को जाते हो तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करती है। क्या बोला मैंने, टॉप से बॉटम को जाओगे तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। अब क्या करें, अब चूंकि ये तो साइमल्टेनियसली डिक्रीज करती हैं इसलिए इसको इंडिविजुअल देखा जाता है। क्या बोला मैंने, इसलिए इसको इंडिविजुअल देखा जाता है, लैटिस को अलग इंडिविजुअल देखा जाता है और हाइड्रेशन को अलग देखा जाता है। कहने का सेंस मेरा है कि जब आप लैटिस को देखोगे तो हाइड्रेशन को नहीं देखोगे, और जब आप हाइड्रेशन को देखोगे तो उस टाइम लैटिस को नहीं कंसिडर करोगे, एक टाइम पे एक कंसिडर होता है। अदरवाइज भाई एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करने लगेंगे, और चूंकि दोनों ही डिक्रीज कर रही है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे तो इंडिविजुअल की बात करेंगे, लैटिस की बात करेंगे तो हाइड्रेशन की बात नहीं करेंगे, और हाइड्रेशन की बात करेंगे तो लैटिस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बढ़ते हैं आगे। तो कैसे देखते हैं लैटिस और उसको, कब हमें हाइड्रेशन को ध्यान में रखना है, कब हमको लैटिस को ध्यान में रखना है, इसका दिमाग लगाना है। ठीक है,
तो सबसे पहला केस आता है व्हेन साइज ऑफ कॉमन आयन, व्हेन साइज ऑफ कॉमन आयन इज स्मॉल। मैं यहां लिख दे रहा हूं, व्हेन साइज ऑफ कॉमन आयन इज स्मॉल। अगर कॉमन आयन की साइज छोटी है तो उस केस में लैटिस एनर्जी फैक्टर डिसाइड करती है। तो ऑन दैट केस, इन दैट केस लैटिस एनर्जी फैक्टर डिसाइड्स द सॉल्युबिलिटी। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर आपके कॉमन आयन तो हैं लेकिन वो कॉमन आयन क्या हैं, स्मॉल हैं, तो लैटिस एनर्जी डिसाइड करती है सॉल्युबिलिटी को। मतलब यूं कहूं कि सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी। या यूं कहूं कि टॉप से अगर मैं बॉटम को जाता हूं तो लैटिस एनर्जी क्या होने वाली है, तो डिक्रीज होगी, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है बेटा, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी कॉमन आयन पहले तो क्या और दूसरा स्मॉल क्या, तो पहले तो आओ समझते हैं स्मॉल आयन्स का मतलब क्या होगा, कौन कौन सा आयन स्मॉल हो सकते हैं। जैसे यार OH माइनस आ जाए, मैंने कहा F माइनस आ जाए, मैंने कहा Li प्लस आ जाए, मैंने कहा लेट सपोज करो Na प्लस आ जाए, मैंने कहा Be 2 प्लस आ जाए, Mg 2 प्लस आ जाए, ठीक है, और Ca 2 प्लस आ जाए। इन सबको किस में मानते हैं, स्मॉल आयन की कैटेगरी में मानते हैं, ठीक है। और तीसरा है HCO3 माइनस और CO3 2 माइनस, ये असल में एक्सेप्शनल है, ये बोथ में काम आते हैं, बोथ केसेस में काम आते हैं। अभी एग्जांपल देते हैं, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, अभी बस आप इसको लिखो कि बोथ केसेस में इसका रोल है। मतलब ये इसको हम लोग स्मॉल में भी कंसिडर करते हैं और लार्ज में भी कंसिडर करते हैं। अभी एग्जांपल दे देते हैं, जब हम स्मॉल में कंसिडर करेंगे तो कब होगा, जब आपके एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेंगे। क्या बोला मैंने, अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो गए, जैसे हाइड्रोजन को अगर मैं छोड़ दूं लीना के रब से फरियाद, अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं और उसके साथ कार्बोनेट या बायकार्बोनेट है, तो उस केस में हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, स्मॉल कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वो लार्ज होगा। मैं आपको पहले एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि मेरे पास LiOH है, NaOH है, KOH है, RbOH है और CsOH है, CHOH है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेरी फोटो आएगी, कोई बात नहीं। अब आप बच्चे देख रहे हो यहाँ पे कॉमन आयन क्या है, तो आपको सबको पता है कॉमन आयन OH माइनस वाला है, बहुत बढ़िया। अब चूंकि OH माइनस आयन कॉमन है, अब आप ये देखो कि OH माइनस किस कैटेगरी में आता है, तो आंसर इज सर स्मॉल आयन कैटेगरी में आ रहा है। स्मॉल आयन की कैटेगरी में सॉल्युबिलिटी को डिसाइड कौन करता है, तो आंसर इज सर लैटिस एनर्जी डिसाइड करती है। मतलब सर टॉप से बॉटम को जाएंगे तो लैटिस एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसका मतलब बेटा सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, सही सोच रहे हो, इंक्रीज करेगी। अब Li से जाओ प्लस होते हुए और CsK प्लस तक, अब आप देखो लिथियम से लेकर सीजियम तक टॉप से बॉटम को जा रहे हो, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इट मींस देखो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ को जाऊँगा तो सॉल्युबिलिटी को क्या करूँगा बेटा, इंक्रीज करूँगा। Li से कहाँ को जाओ, CS को जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। Li से CS ऊपर से नीचे, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और कॉमन आयन में कौन सा आयन है, तो स्मॉल आयन है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन केसेस आएंगे तो आप ट्राई कर लीजिएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया NaCl, जैसे ले लिया NaF, यहाँ पे ले लिया NaBr और यहाँ पे ले लिया NaI।
अब मैंने आपसे पूछा कि इसका सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा, तो पहले आप देखो कि कॉमन आयन कौन है। तो सर कॉमन आयन आपके तो सोडियम है। अब सर सोडियम किस कैटेगरी में आता है ये दिमाग में लगाओ। तो सोडियम जो है वो आपकी स्मॉल साइज की कैटेगरी में आता है। एन ए प्लस किस में आता है आपका? स्मॉल साइज की कैटेगरी में आता है। अब अगर ये स्मॉल साइज की कैटेगरी में आता है तो कौन फैक्टर डिसाइड करेगा? तो आंसर इज लैटिस एनर्जी फैक्टर डिसाइड करेगी। फिर वही बात, अगर ये डिसाइड करेगी तो सॉल्युबिलिटी और लैटिस का कैसा रिलेशन? आंसर इज सर इन्वर्सली का रिलेशन। ठीक है, इन्वर्सली का रिलेशन। अब आप देखो टॉप से बॉटम को जाओगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या करनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो यहाँ के केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज करेगी। तो देखो अगर तुम रटने बैठ जाओगे कि इस ग्रुप में ऐसा होगा, इस ग्रुप में ऐसा होगा, तो केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करो, केमिस्ट्री क्वेश्चन को फील लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, Li2CO3, K2CO3 बहुत फेमस क्वेश्चन है। और मान लो यहाँ पे ले लिया मैंने Na2CO3। तीन मेंबर हैं और आपसे बोल रहा है कि इनको इनके लेटेस्ट एनर्जी में अरेंज करो। तो अभी देखो मैंने क्या बताया कि जो कार्बोनेट है, दैट इज CO3 2 माइनस, ये दो कैटेगरी में काम करते हैं। ये स्मॉल में भी आते हैं और लार्ज में भी आते हैं। तो मैंने पीछे बताया कि भाई CO3 2 माइनस की अगर मैं बात करूं तो अगर वो फर्स्ट ग्रुप में है तो वो कैसा माना जाता है? वो स्मॉल में माना जाता है, अदरवाइज वो लार्ज माना जाता है। अब ये फर्स्ट ग्रुप में है, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप में आपको पोएम पता है LiNa के, तो फर्स्ट ग्रुप में अगर ये स्मॉल में आएगा तो स्मॉल में आएगा मतलब लैटिस एनर्जी डिसाइड करेगी। तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो लैटिस एनर्जी घटेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा आपका? K2CO3, उसके बाद Na2CO3, और उसके बाद कौन होगा? Li2CO3। देखो मैं क्या मैंने इसको याद किया? आंसर इज नहीं, कंसेप्ट लगाया, आंसर आपके सामने, ठीक है ना। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कब क्या होता है। तो अभी तो मैं जितनी आपसे मैंने बातें की स्मॉल आयन की, ये सारी बात हमारी किसकी थी? स्मॉल आयन की थी। अब जो मैं आपके सामने बातें करने जा रहा हूँ वो है आपकी लार्ज साइज के आयन की। लार्ज साइज के आयन की कैटेगरी में जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, पहले भाई Cl- आएगा, Br- आएगा, I- आएगा, SO4 2- आएगा, NO3- आएगा, और तुम सीजियम प्लस आ सकता है, और लेट सपोज करो पोटेशियम प्लस आ सकता है, रुबीडियम प्लस आ सकता है, ये सब बड़े बड़े साइज के ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह इस बार HCO3- भी आएगा और CO3 2- भी आएगा, बशर्ते ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हों, ठीक है। यहाँ पे किस में आएंगे? लार्ज साइज में आएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि लार्ज साइज में, लार्ज साइज की कैटेगरी में आपके जो हाइड्रेशन एनर्जी है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिसाइड करता है। या यूँ कहूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी से कैसे सॉल्युबिलिटी का रिलेशन है? तो आंसर इज सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब बेटा जब आप टॉप से बॉटम को जाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करती है। इट मींस सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो जब साइज बड़ी होगी तो उस टाइम हाइड्रोजन एनर्जी काम आएगा, और जब साइज छोटी होगी तो उस टाइम लैटिस एनर्जी काम आएगा। जब देख सकते हो जैसे मैंने कहा, मैंने एग्जांपल ले लिया Li2SO4 का, Na2SO4 का, K2SO4 का, Rb2SO4 का, और लेट सपोज करो CH2SO4 का, ये एग्जांपल ले लिए। अब इनके अंदर कॉमन आयन कौन है? इनके अंदर कॉमन आयन कौन है? तो भैया सल्फेट है। SO4 किस कैटेगरी में आता है?
तो सर लार्ज कैटेगरी में आता है। लार्ज कैटेगरी में आता है तो कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रोजन एनर्जी डिसाइड करेगा। हाइड्रोजन एनर्जी का सॉल्युबिलिटीज कैसा रिलेशन? तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टॉप से बॉटम जाते हैं तो हाइड्रोजन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करती है, मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। अब बताओ क्वेश्चन खत्म हो गया ना। ये लो टॉप से बॉटम गए, हाइड्रोजन एनर्जी जो कि डिक्रीज करेगी इसलिए सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। ओके क्लियर कट है? मेरी बात समझ में आ रही है कि कब आपको हाइड्रोजन एनर्जी फैक्टर लेना है और कब आपको लैटिस एनर्जी फैक्टर लेना है। दोनों फैक्टर को कभी भी एक साथ मत ले लेना, ठीक है? नहीं तो बैंड बज जानी है। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मैंने कहा कि BeCO3, MgCO3, COCO3, BaCO3, SrCO3 सॉरी, और सर बाप रे ना BaCO3। अब यहाँ पे बेटा CO3 टू माइनस क्या है? हमारा कॉमन आयन है। और CO3 टू माइनस इस बार जो कि सेकंड ग्रुप में है, हमने क्या कहा था? सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में CO3 माइनस क्या होगा? स्मॉल में आएगा। इस बार अदरवाइज वो किस में आएगा? लार्ज साइज में कंसिडर किया जाएगा। और बस फिर वही कहानी, मतलब कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रोजन डिसाइड करेगी। इसका मतलब तुम जब टॉप से बॉटम को जाओगे तो हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज करेगी, इस वजह से सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है? बात समझ में आ रही है कि BeCO3 और BaCO3 में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें थीं, बट अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ें थीं यार, ठीक है? तो छोटी मोटी चीज़ें बट अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट आपका सॉल्युबिलिटी का था। अब मुझे नहीं लगता कि आपको सॉल्युबिलिटी को इसके बाद भी याद करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद आप कभी ट्रेंड सॉल्युबिलिटी का याद नहीं करोगे, मतलब रटोगे नहीं, आप समझोगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लार्ज साइज आयन क्या होते हैं और स्मॉलर साइज आयन क्या होते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अगला जो टॉपिक आएगा, इस टॉपिक का नाम है थर्मल स्टेबिलिटी। सबको पता है थर्मल का मतलब होता है हीट, मतलब अगर मैं उसको आग लगा दूं तो उसके बॉन्ड कितनी देर से या कितनी जल्दी टूटेंगे, यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है। किसी बॉन्ड को अगर मैं हीट करता हूँ तो वो बॉन्ड अगर जल्दी टूट जाता है तो इसका मतलब वो थर्मली लेस स्टेबल है, और किसी बॉन्ड को मैं हीट करता हूँ और बहुत हाई टेम्परेचर मांगता है तो इसका मतलब वो थर्मली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी पे। ओके तो किसी बॉन्ड को हीट देने पर या कितनी हीट लगेगी उस बॉन्ड को तोड़ने में, वो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइड करती है। किसी बॉन्ड को तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस में काम हो जाएगा, किसी को आप 1000 भी दोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लो टेम्परेचर में ब्रेक नहीं हो रहा है। अब थर्मल स्टेबिलिटी को समझने के लिए पहले कुछ कॉमन बातें समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपको जो थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर पढ़ना है वो एक टर्म होता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी डेल्टा से सिंबल देते हैं इसको, सिग्मा से बोलो, डेल्टा से बोलो, सिग्मा बोल दो, सिंबल देते हैं। ये असल में क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना चार्ज है। जितना एरिया छोटा होगा उस एरिया में चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो चार्ज की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। भाई डेंसिटी क्या है? गुच्छा एक तरफ से। अब छोटी एरिया होगा, उस छोटी से एरिया में खूब सारे चार्ज होंगे तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी, ठीक है? भाई एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ले लेता हूँ, भाई कोई ऐसा एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने Na+ ले लिया और लेट्स सपोज उसको CS+ ले लिया थोड़ी देर के लिए। Na+ में और CS+ में आप देखोगे तो चार्ज तो दोनों में +1 +1 का है, लेकिन एरिया का अंतर है। अब CS में एरिया क्या है? बड़ी है,
और जो मैंने एनए लिया या एलआई लिया जो भी, उसकी एरिया क्या है, छोटी है। तो चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। अब याद रखने वाली बात यह है कि जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलराइजेशन होगा। क्या बोला? उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलराइजेशन होगा। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलराइजेशन होगा, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड पोलराइजेशन होगी उतनी ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगी, और उतना ही वो थर्मली अनस्टेबल होगा। दैट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी उसकी उतनी कम होगी। ये रिलेशन आपके दिमाग में अगर चला गया तो समझ लो आपका थर्मल स्टेबिलिटी कंसेप्ट भी खत्म। ठीक है, क्या बोला मैंने? जिसकी जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उसकी पोलराइजेशन करने की पावर उतनी ज़्यादा होगी। आप खुद सोचो यार, मैं तुम्हें पोलराइज करके अगर खींच दूंगा तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाएंगे, एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कम हो जाएंगे। इससे तुम पे खिंचाव आ जाएगा, और खिंचाव आ जाएगा तो तुम्हारी बॉन्ड लेंथ कह सकते हो बड़ी हो जाएगी, और तुम थर्मली अनस्टेबल हो जाओगे। और थर्मली अगर तुम अनस्टेबल होगे, इसका मतलब तुम्हारे बॉन्ड को ब्रेक करना इजीली हो जाएगा। तो मैं बार बार यही समझाना चाह रहा हूँ, चार्ज डेंसिटी देखने आनी चाहिए। चार्ज डेंसिटी अगर आपने देख ली तो आपने थर्मल स्टेबिलिटी भी देख ली। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ फर्स्ट ग्रुप की, फर्स्ट एलिमेंट की बात करता हूँ, कार्बोनेट्स की बात करता हूँ। पहले लिख लो भाई, थर्मल स्टेबिलिटी इन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं। देखो भाई, मान लिया मैंने Li2CO3 है, Na2CO3 है, K2CO3 है, RB2CO3 है और CH2CO3 है। ये तीनों की अगर मैं बात करता हूं, अब आप लॉजिक ध्यान देना, लॉजिक ना। जब आप टॉप से बॉटम जा रहे हो तो चार्ज तो सब पे सेम है, प्लस वन का चार्ज है। ठीक है, सब पे चार्ज देखा जाए तो प्लस वन का चार्ज है, चार्ज सेम होगी, लेकिन एरिया क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब चार्ज अगर सेम है, एरिया बढ़ रही है, तो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, टॉप से बॉटम जाते टाइम डिक्रीज कर रही है। चार्ज डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो यूं कहूँ कि जो पोलराइजेशन है, जो पोलराइजेशन है वो भी क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी, जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या बोला? टॉप से बॉटम जाओगे तो चार्ज तो वही है, एरिया बढ़ रही है, तो ओवरऑल जो चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है और थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। इसकी हिंदी बताया ये हुई, इसकी हिंदी हुई कि लिथियम कार्बोनेट थर्मली उतना स्टेबल नहीं है, और सीजियम कार्बोनेट एस कंपेरिजन टू लिथियम कार्बोनेट वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल है। मतलब लिथियम कार्बोनेट के बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, और वहीं पे सीजियम कार्बोनेट के बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। आप कुछ ऐसे समझो कि अगर कभी भी लिथियम कार्बोनेट को मैं हीट कर देता हूँ तो वो ब्रेक होके लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया, इनके अगर मैं कार्बोनेट्स की बात करता हूँ और इनको मैं हीट करता हूँ तो आंसर आता है नो इफेक्ट। इसका मतलब इनको ब्रेक करना ईजी नहीं है। सोडियम को फिर भी ब्रेक कर सकते हो, Na2 और CO2 में ब्रेक हो जाएगा, बट आपका आप सीजियम कहो तो वो ब्रेक नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का बस ये सेंस है कि लिथियम के कार्बोनेट इजिली ब्रेक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सीजियम कार्बोनेट के। यही चीज़ अगर मैं ग्रुप सेकंड में बात करूं, यही चीज़ अगर मैं ग्रुप सेकंड के अंदर बात करूं, बेटा मांगे कार वाले में बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा, सर बाप रखड़े।
अब आप जब टॉप से बॉटम को जा रहे हो तो फिर वही बात, साइज और एरिया तो बढ़ रहा है, चार्ज वही है, तो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करने की हिंदी हुई कि बेरिलियम कार्बोनेट बेटा लो टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएगा, जबकि बेरियम कार्बोनेट या तो ब्रेक नहीं होगा, या तो अगर ब्रेक हो गया तो करीबन करीबन 1000 डिग्री सेल्सियस प्लस के ऊपर ब्रेक होगा। ठीक है, इसका मतलब देखो ऐसा कि अगर आपके पास बेरियम कार्बोनेट है और मैं इसको हीट करता हूँ, तो ये करीबन करीबन 400 से 425 डिग्री सेल्सियस के बीच में ब्रेक होता है, और ये जब ब्रेक होता है तो ये बेरियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। वहीं पे अगर आपके सामने बेरियम कार्बोनेट है, उसको मैं हीट कर रहा हूँ, तो भैया करीबन करीबन 1200 से लेकर 1250 डिग्री सेल्सियस में हीट हो रहा है। तो आप ये देख पा रहे हो कि बेरियम कार्बोनेट लो टेम्परेचर पे, मतलब एज कंपेयर टू बेरियम कार्बोनेट ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने कहने का बस सेंस यही है कि आपको हमेशा ग्रुप के बारे में ध्यान देना होगा, आपको हमेशा ये देखना होगा कि किसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकेंड, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भाई मान लीजिए आपके पास Na2CO3 है, और दूसरा मान लीजिए आपके पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और तीसरा मान लीजिएगा Al2CO3 है, एल्युमिनियम कार्बोनेट है। अब आपको मैंने पीरियड वाइज में दे दिया है, अब मैं आपसे देखना चाहता हूँ कि बताओ कौन ज़्यादा थर्मली स्टेबल है, सॉरी, और कौन थर्मली स्टेबल कम है। तो आपके सामने एक फॉर्मूला पता है चार्ज डेंसिटी का, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आप एक बात देखना यहाँ पे थोड़ा सा, कि यहाँ पे +1 का चार्ज है, यहाँ पे +2 का चार्ज है, और यहाँ पे +3 का चार्ज है, तो इस बार चार्ज डोमिनेट कर जाएगा एरिया फैक्टर पे। क्या बोला मैंने, इस बार चार्ज डोमिनेट कर जाएगा एरिया फैक्टर पे, मतलब सबसे हाई चार्ज किस पे है, Al2CO3 पे है, और सबसे लो चार्ज किस पे है, Na2CO3 पे है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली बस मेरे कहने का सेंस ये है, अल्टीमेटली बस मेरे कहने का सेंस ये है कि एल्युमिनियम कार्बोनेट को अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखता हूं, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखता हूं, तो पाऊंगा ये कि एल्युमिनियम कार्बोनेट के जो बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे एज कंपेयर टू सोडियम कार्बोनेट के। इसका मतलब सिंपल सिंपल सा ये हुआ कि ये थर्मल ज़्यादा स्टेबल हुआ और ये थर्मल कम स्टेबल हुआ। ठीक है, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड हो गया। तो थोड़ी नींद आ रही है यार, सॉरी। मैं यूँ कहूँ क्या कि जो पी ब्लॉक आर जो है लेस थर्मल स्टेबल होते हैं, मतलब अगर आपके पास Al2CO3 का होल थ्राइज है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, किसमें, ये जो ब्रेक होता है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, वहीं पे अगर आप Na2CO3 को ब्रेक करोगे तो वो ब्रेक होगा Na2CO, या Na2CO3 तो अभी मैंने बोला ब्रेक ही नहीं होगा, हटा दो, तो ब्रेक ही मत करो, नो इफेक्ट दिखा दो, क्योंकि हाई टेम्परेचर मांगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जो पी ब्लॉक हैं वो थर्मली एस कंपेरिजन टू एस ब्लॉक जो हैं वो क्या हैं, लेस स्टेबल हैं। ओके, अब बात उठती है आपके ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स जानते ही हैं आप, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं। ठीक है, इसको बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, स्यूडो इनर्ट आयंस कौन से होते हैं। स्यूडो इनर्ट आयंस मतलब जिनके अंदर डी ऑर्बिटल अचीव हो चुका हो, मतलब जिनको जन्नत नसीब हो चुकी हो बेटा, 3d10 हो गया, 4d10 हो गया, और 5d10 हो गया। जिंक, कैडमियम, मरकरी का अगर आपने नाम सुना हो, जिनको जन्नत नसीब होती है, क्योंकि
क्योंकि इनका D10 क्या है, इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, इसलिए ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, स्यूडो इनर्ट की कैटेगरी में आते हैं। याद रखिएगा पहले एक बात और कि जो पोलराइजेशन होता है, जो पोलराइजेशन होता है वो सबसे ज्यादा स्यूडो इनर्ट का होता है। मैं स्पेलिंग बहुत मिस्टेक लिखता हूँ। उसके बाद हमारा नॉन इनर्ट का आता है और लास्ट में इनर्ट वालों का आता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? सबसे ज्यादा पोलराइजेशन स्यूडो इनर्ट का होता है और सबसे कम पोलराइजेशन इनर्ट वालों का होता है। अब अगर ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, थर्मली स्टेबल उतने कम होंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं यू कहूँ कि भाई जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मर्करी हो गया, इनके जो कार्बोनेट्स हैं, इनके जो कार्बोनेट हैं, जिंक कार्बोनेट, कैडमियम कार्बोनेट और मर्करी कार्बोनेट, इनके जो कार्बोनेट हैं इनको हीट तुरंत किया जा सकता है। और जब मैं इनको हीट करूंगा तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएंगे। जिंक ऑक्साइड बोलो चाहे कैडमियम ऑक्साइड बोलो चाहे मर्करी ऑक्साइड बोलो, तो अल्टीमेटली जो स्यूडो इनर्ट वाले हैं वो हमारे लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू इनर्ट वालों के, इस वजह से बहुत ईजिली रिएक्टिव हो जाते हैं। याद रहेगी बात? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ पैसिव मेटल्स की। पैसिव मेटल का मतलब होता है जैसे मर्करी हो गया, सिल्वर हो गया, अर्जेंटेट हो गया और प्लेटिनेट हो गया और आपका ऑरेट हो गया, मतलब गोल्ड हो गया। ये हमारे पैसिव मेटल में आते हैं। जब भी इन पैसिव मेटल्स को आप हीट करोगे तो याद रख लेना ये आपको पहले तो मेटल के ऑक्साइड देंगे और ये बेटा फर्दर हीट हो जाते हैं और यहाँ से बन जाता है प्योर मेटल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास मरकरी के कार्बोनेट हैं और मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो पहले तो बनेगा मरकरी का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और मरकरी का ऑक्साइड फर्दर हीट होकर क्या देगा? प्योर मरकरी देगा। तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, वहाँ पे क्या आता, जैसे लिथियम कार्बोनेट को हीट किया तो सिर्फ लिथियम का ऑक्साइड बन जाता था, लेकिन जितने भी पैसिव मेटल्स होते हैं इनके जब कार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो पहले तो इनका ऑक्साइड बनेगा और इनके ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो प्योर मेटल आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, प्योर मेटल आपके हाथ में आ जाएगा। ओके, उसी जगह तर्ज पे अगर मैं आपकी बात करता हूँ बायकार्बोनेट्स की, अभी तक मैं कार्बोनेट्स की बात कर रहा था, अब मैं बायकार्बोनेट्स की बात कर रहा हूँ। बायकार्बोनेट्स इन ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो पहले तो ये याद रखना है भाई एक बात कि जब भी कभी भी बायकार्बोनेट्स को आप हीट करोगे तो वो आपको कार्बोनेट्स देंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी बाहर निकलेगा। ये एक बेसिक स्टेटमेंट लाइन याद रखना। ठीक है, बायकार्बोनेट्स को कभी भी हीट करोगे तो कार्बोनेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकले। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा कि LiHCO3 है तो इसको मैंने हीट किया तो ये बनेगा, पहले तो देखो बेटा Li2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और चूंकि ये फर्दर हीट हो सकता है तो ये फर्दर क्या हो जाएगा Li2O लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा बायकार्बोनेट से कार्बोनेट, और कार्बोनेट फर्दर अगर हीट हो गया, आपने टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया, तो सीधे सीधा उसके ऑक्साइड पे चला आएगा। ठीक है, अब बायकार्बोनेट का जो ट्रेंड होता है वो भी एकदम सेम होता है, एकदम सेम ट्रेंड है, लिख लो भाई, बायकार्बोनेट का जो ट्रेंड है इज सेम एज कार्बोनेट। मतलब इसमें भी टॉप से बॉटम जाओगे तो चार्ज डेंसिटी देखोगे, पोलराइजेशन देखोगे और थर्मल स्टेबिलिटी देखोगे। जैसे भाई LiHCO3 है, NaHCO3 है, KHCO3 है, RbHCO3 है और CsHCO3 है, वही एकदम सेम, टॉप से बॉटम को जाओगे
तो आपकी जो चार्ज है वो क्या होगा, उतना ही होगा, लेकिन एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, थर्मली स्टेबल हो जाएगा। अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आपके पास LiHCO3 है तो इसको जब आप हीट करेंगे तो पहले बनेगा Li2CO3 प्लस CO2 प्लस पानी बाहर निकलेगा, और ये फर्दर हीट होगा तो ये बनेगा लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सेम हाल एकदम ग्रुप सेकंड का होगा। तो अगर मैं ग्रुप सेकंड की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने मान लो, लेट सपोज करो मैंने ले लिया कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, उसको मैंने हीट किया तो पहले बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बाहर निकलेगा। बैलेंस वैलेंस नहीं कर रहा हूँ, और फिर से अगर आप इसको हीट करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बाइकार्बोनेट से कहाँ पहुँचना है कार्बोनेट पे, और कार्बोनेट से कहाँ पहुँचना है उसके ऑक्साइड पे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये पैसिव मेटल्स हो गए, पैसिव मेटल का मतलब पैसिव एलिमेंट्स हो गए, तो उस केस में आप क्या करने वाले हो? तो जब भी आप कभी भी पैसिव मेटल या पैसिव एलिमेंट्स की स्टडी करते हो, जैसे अभी मैंने आपसे बोला था, आपने मरकरी का एग्जांपल लिया था, अब मरकरी का अगर आपके पास बाइकार्बोनेट है, ठीक है, मरकरी का आपके पास बाइकार्बोनेट है, दैट इज HHgHCO3 का आपका होल ट्वाइस, इसका बाइकार्बोनेट है, तो बेटा इसको जब आप हीट करोगे तो पहले तो इसका कार्बोनेट मिलेगा, और फिर आप इसको हीट करोगे तो इसका ऑक्साइड मिलेगा, और ऑक्साइड को हीट करोगे तो वापस क्या आएगी, मरकरी आएगी। तो अल्टीमेटली पैसिव मेटल के बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो कार्बोनेट, कार्बोनेट फर्दर हीट होंगे उसके ऑक्साइड में, और ऑक्साइड फर्दर हीट होगा मरकरी में। ये सब पीछे से चला आ रहा है, आप लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो कंसेप्ट हमने कार्बोनेट में पढ़ा वही कंसेप्ट हम अपने बाइकार्बोनेट्स में पढ़ रहे हैं, और वही कर्व कंसेप्ट अपन लोग थर्मल स्टेबिलिटी इन सल्फेट्स पढ़ेंगे। एकदम सेम कंसेप्ट है बाइकार्बोनेट कार्बोनेट सल्फेट का, जैसे एकदम सेम कंसेप्ट लिख दो, सेम कंसेप्ट एज कार्बोनेट। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कोई भी ग्रुप उठा लो, कोई भी उठा लो, मैंने सेकंड ग्रुप उठा लिया, मैंने कहा बेरिलियम सल्फेट है, ठीक है, और आपका कैल्शियम सल्फेट है। अब आपको पता है कि इन दोनों को हीट किया जा सकता है, लेकिन दोनों को हीट करने में अलग अलग टेम्परेचर लगेगा, और आप ये भी जानते हो कि कैल्शियम का सल्फेट ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बेरियम के सल्फेट से। इसका मतलब इन बातों का ख्याल रखना है कि जब भी ऐसे केसेस में आएंगे तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो देखो इसके दो केस होते हैं। अगर आपने टेम्परेचर ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस दिया, ठीक है, तो ये इसके ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन में निकलेगा। लेकिन अगर आपने इसी में टेम्परेचर less than 800 दिया तो ये इसके ऑक्साइड में और सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर का रोल आता है, इन सब बातों का ख्याल रखना है। उसी तरह जब आप कैल्शियम सल्फेट में होते हो तो इसका अगर आप टेम्परेचर greater than 800 करोगे तो इसमें भी इसके ऑक्साइड में ब्रेक होगा। greater than 800 मतलब नियरली नियरली 1200 के करीब होता है, नियरली नियरली 1200, सोचो कितना हाई टेम्परेचर हो गया। तो ये भी इसके ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर इसी का टेम्परेचर थोड़ा सा 800 से कम कर दें तो इसके ऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक होगा। तो थोड़ा सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओवरऑल इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रेंड कैसे को कहाँ को जा रहा है। मतलब अगर मैं बेरियम से सल्फेट से लेकर मूव कर रहा हूँ, पूरा पूरा बेरियम सल्फेट की तरफ मैं पूरा नहीं लिख रहा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो मेरी बातें आपको ये सब समझ में आ रही होंगी, मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ,
कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, इन फलाना इन फलाना। तो ओवरऑल आप मेन थर्मल स्टेबिलिटी में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन ज़्यादा थर्मल स्टेबल है, कौन कम थर्मल स्टेबल है। तो ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए, ये सारी बातें नॉलेज होनी चाहिए जितना मैंने आपको आज पढ़ाया। ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तीन चार टॉपिक मैंने एक साथ कवर कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया आज। मैंने आपको डायपोल मोमेंट अच्छी तरह पढ़ाया, डायपोल मोमेंट क्या होता है इसके बारे में समझाया, एग्जाम्पल खूब सारे लिए डायपोल मोमेंट के, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको डायपोल मोमेंट के एग्जाम्पल के बाद ऑग्निक टच दिया, ऑग्निक टच के बाद मैंने आपको ये बताया कि किस तरफ डायपोल मोमेंट कैंसिल होता है, किस तरफ नहीं होता है। फिर मैंने आपको आयनिक करेक्टर का परसेंटेज सिखाया, वो कैसे देखा जाता है। फिर मैंने आपको सॉलिबिलिटी के बारे में पढ़ाया, सॉलिबिलिटी को कंपेयर करना सिखाया कि लैटिस एनर्जी से क्या रिलेशन है, हाइड्रेशन से क्या रिलेशन है, कब लैटिस एनर्जी बढ़ जाती है, कब घट जाती है, किस फैक्टर को कब लेना चाहिए, ये आपको मैंने सिखाया। मैंने इसके बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स लिए, ठीक है, बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स लिए। उसके बाद मैं थर्मल स्टेबिलिटी वाले कंसेप्ट पे आया और थर्मल स्टेबिलिटी वाले कंसेप्ट मैंने आपको बताया क्या कैसे काम करता है, पोलराइजेशन कंसेप्ट, ये सब बातों का आपको ख्याल रखना होगा। इतनी बातों को नॉलेज लेने के बाद आप केमिकल बॉन्डिंग को ऑलमोस्ट फिनिश अप कर चुके हो, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेट पे बनने वाली है, केमिकल बॉन्डिंग को मैंने पार्ट 8 बना दिया, बहुत बना दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही उठाऊंगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगे वो आते हैं। एक आध एमओटी वमोटी है वो एक बार देख लेंगे, मेरे मूड में आया तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक, ओके। इतनी बातें याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंसली मुझे सुना, मेरी बातों को अपने मन में रखा, आपने इसको नोट किया, ठीक है, नॉलेज आपने गेन की। आप मुझे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा कोड है भाई धीरेन, दैट इज़ DHIREN, इस कोड को अपने माइंड में रखिए। कभी भी आपको 10% का इंस्टा डिस्काउंट चाहिए तो प्लीज़ इस कोड को टाइप करिए और 10% को डिस्काउंट को अवेल करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।